नमस्कार, मेरा नाम मयंक पोरवाल है और जो नेशनल एंड होलिस्टिकल साइंस का मैं को फाउंडर हूँ। हम अभी 4 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होलिस्टिक थेरेपी कॉन्फ्रेंस दृष्टिकोण 2019 करने जा रहे हैं, जिसमें होलिस्टिक थेरेपी, चाहे आप योगा से हैं, नेचुरोपैथी से हैं, न्यूरोथेरेपी से हैं, अरोमा थेरेपी से हैं, होम्योथेरेपी से हैं, ऐसी दूसरी थी जिनमें बिना किसी दवाई के आप इलाज कर रहे हैं, जो अदर थेरेपीज है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, तमाम ऐसी थेरेपीज है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, कपिंग थेरेपी है। अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट करते हैं, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं या इन सब में आपका इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत भी जानते हैं या आप सीखने की भी इच्छा रखते हैं या आप ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि बिना किसी दवाई के कैसे इलाज हो सकता है। आज के मॉडर्न एरा में जब लोगों को ये लगता है कि कोई भी बीमारी हो हम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग ये होलिस्टिक थेरेपी कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे हैं, जिससे लोगों को हम बता पाएं, हम ये सिखा पाएं, ये समझा पाएं कि बिना किसी दवाई के भी इलाज हो सकता है। और इससे जुड़े हुए लोग जो दूर दराज में गाँव में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो 25-25-30 सालों से काम कर रहे थे, उनको हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स पे अपने विचार साझा करेंगे, लेक्चर्स करेंगे, जहाँ पे हेरिटेज रेवोल्यूशन जैसे टॉपिक होंगे, यहाँ पे होलिस्टिक थेरेपी से रिलेटेड टॉपिक होंगे, सूर्य सन कैसे हमारा एक डॉक्टर की तरह काम करता है वो आप वहाँ पर जानोगे, ब्लू सिंड्रोम कैसे आज के मॉडर्न नाम है, जो मोबाइल है, जो टैबलेट है या जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिससे कैसी इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में आप जानोगे। आप वहाँ ये जानोगे कि सोलह श्रृंगार से कैसे हमारी दवाइयों का काम होता था, कि एक लेडी अगर सोलह श्रृंगार करती है, वो माथे में बिंदी लगाती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है, तो वो कैसे एक मेडिसिन का काम करते हैं, ये भी आप वहाँ पर जानोगे। यहाँ पे आप ये जानोगे कि बर्मा थेरेपी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रिसीवर्स ने उसे डेवलप किया, कैसे कलरीपयट्टू आया, ये भी आप वहाँ जानोगे। इसके अलावा आप साउंड थेरेपी के बारे में जानेंगे, कुछ केस स्टडीज प्रेजेंट होंगी, कैसे आप फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कैसे होलिस्टिक थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, ये भी आप जानोगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि वहाँ पे आप लोग आए एज अ पार्टिसिपेंट। आप अगर किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई केस हिस्ट्री है, तो आपके पास एक मौका है वो प्रेजेंट करने का। आपने अगर कुछ अच्छा किया है, कुछ अचीव किया है, तो हम वहाँ पे अवार्ड्स भी देने वाले हैं। तो आपके पास एक मौका है कि अपने प्रोफाइल को हमारी दिए हुए नंबरों पे मेल आईडी पे सबमिट करें, हम हो सकता है कि आपका नाम सेलेक्ट हो किसी अवार्ड के लिए। और हम यहाँ पे लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो जिसने अपना जीवन इसमें दिया है, जो इसमें काम कर रहा है, तो उनके नाम आप हमें भेजें, हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मॉनमल और वॉल जैसे प्लेटफॉर्म पे हम उनको अवार्ड देने का काम करेंगे। तो मेरी आप लोगों से फिर से एक बार अपील है, 4 अगस्त 2019 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सुबह 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप लोग को इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी है, तो हमारे नंबर अवेलेबल है, आप लोगों का वहाँ पर स्वागत है।